हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है सीयूसर 2020 में शामिल 18 यूनिवर्सिटीज़ की आज यानी 25 दिसंबर 2020 तक की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी लेकर मैं इस खास वीडियो में हाजिर हूं। आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 18 यूनिवर्सिटीज़ की ओपन एडमिशन, स्पॉट एडमिशन, फी रिफंड और एडमिशन कैंसिलेशन के रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि सीयूसर के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 18 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। आप चाहे तो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में आपके साथ सारी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कुछ नोटिसेज आई हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू हूम फी इज टू बी रिफंडेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020 इन सेकेंड स्लॉट, जिन लोगों को सेकेंड स्लॉट में फी रिफंड होगा उनकी लिस्ट दी गई है। वहीं उन लोगों को जिनको फी वापस हो चुकी है फर्स्ट स्लॉट में, उनके नाम यहां दिए गए हैं। फी जिस बैंक अकाउंट से आपने फी पेमेंट किया था उसी अकाउंट पर वापस किया गया है। इसके अलावा कुछ नोटिसेज, पुराने नोटिसेज, आप चाहे तो नोटिस क्लिक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो यूनिवर्सिटी के हेल्पडेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है। आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के होम पेज पर आप देख रहे हैं कुछ नई नोटिसेज हैं। अगर जो नोटिस आपसे रिगार्डिंग आपसे कंसल्टेड है तो आप चाहें तो रीड मोर बटन पर क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नोटिसेज यहाँ लेटेस्ट नोटिसेज व्हाट्स न्यूज सेक्शन के अंदर ही दी जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से कोई नई नोटिस नहीं आई है पिछले 24 घंटे में, पुरानी ही नोटिस है। सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जिन लोगों का सेकंड लिस्ट पर नाम आया पीएचडी के लिए, साथ ही साथ जिन लोगों का पीएचडी में एडमिशन हो चुका है वो लिस्ट दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ सीट्स खाली हैं, जिन कोर्सेज में, जिन सब्जेक्ट्स में सीट्स खाली हैं उनके नाम आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज, एनवायरमेंट साइंस, पीएचडी इन एजुकेशन। इसके अलावा सारे सीट्स फिल हो चुके हैं। आप चाहे तो इस लिस्ट को देख सकते हैं, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से पीजी और पीएचडी लेवल के एडमिशन प्रोसेस के लिए कोई नई जानकारी नहीं आई है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि एडमिशन प्रक्रिया और क्लोज हो चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के होम पेज को आप देख रहे हैं, लेटेस्ट नोटिसेस यहीं आती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एडमिशन पेज को विजिट कर सकते हैं, एडमिशन पेज आप देख रहे हैं, कोई नई जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा असिस्टेंस के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के होम पेज को आप देख रहे हैं, सारी जानकारी यहीं आती है, जो अभी जानकारी आएगी लेटेस्ट। अगर आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, ये एडमिशन पेज है। अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की तरफ से पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जैसा कि आप देख सकते हैं कोई नई जानकारी पिछले 24 घंटे में नहीं आई इन यूनिवर्सिटीज़ की। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से भी पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, असम यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाबाशाह यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कालीकोट यूनिवर्सिटी बहरामपुर और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्राइम यूनिवर्सिटी जोधपुर की तरफ से पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं है, ऐसा लग रहा है कि एडमिशन प्रक्रिया ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है। आप लगातार यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को विजिट करते रहे, आप चाहे तो हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी हासिल हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स अ लॉट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।